हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगले 15 दिन यानी कि नेक्स्ट 15 डेज, जैसे कि आप जानते हो महीने का आधा महीना तो ख़त्म हो चुका है, तो आधा महीना बाकी है, तो उसमें क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या एक्शंस आ सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से, क्या इम्प्रूवमेंट्स या क्या कुछ होने वाला आपके लव लाइफ में, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। फिर भी आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है, ये ध्यान में रख के ही रीडिंग देखा करो, और ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी कि नेक्स्ट 15 डेज क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैसी रहेगी आपके पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स, इंटेंशंस, मूव्स क्या होंगे। स्प्लिटिंग अपार्ट, गैदरिंग टुगेदर, ग्रेस। देखिए एक चीज़ मैं बताऊं कि आप अगर ओपन माइंड रख के रीडिंग देखोगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि जितना पॉजिटिव्स आ रहा है, हो सकता है कुछ बातें नेगेटिव भी हो। कुछ लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं नेगेटिव कुछ बातें सुनकर, ओके, तो ऑफेंड नहीं होना है या बुरा नहीं मानना है, क्योंकि वैसे भी आपकी पर्सनल रीडिंग तो चल नहीं रही है, ओके। द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट, एंड जो लास्ट कार्ड है वो होल्डिंग टुगेदर का है, ओके। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है कि एक पुश एंड पुल जिसे कहते हैं ना, कि दूर करना करीब लाना, दूर करना करीब लाना, ऐसा कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ओके। क्योंकि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, या कह लो जो फीलिंग्स है उनकी, या जो जो कुछ वो आपके लिए महसूस करते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वो लेट गो करने की कोशिश भी कर रहे हैं, या आपको आपसे दूर जाने की अगर कोशिश भी कर रहे हैं, तो वो उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे, ओके। नाउ लेट्स क्लैरिफाई ईच कार्ड हियर। डिवाइन हमें क्लियर मैसेज दे, स्प्लिटिंग अपार्ट की एनर्जी क्यों है, आप क्या बताना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू Say to us by this card, Three of Pentacles. देखिए कहीं ना कहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, Three of Pentacles की एनर्जी आई है स्प्लिटिंग अपार्ट को क्लैरिफाई करने के लिए। मैंने जैसे बोला ना, एकदम अगर आप देखोगे तो एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी कार्ड है, जहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पर्सन ट्राई करेंगे कुछ चीज़ों को लेट गो करने की, या देखिए इस पर्सन को ना ऐसा लगेगा कि वो जो भी कर रहे हैं उससे वो आपसे दूर हो जाएंगे, जिससे कि ना तो आपको तकलीफ़ होगी ना तो उनको तकलीफ़ होगी। लेकिन उल्टा मुझे लगता है कि इनके एक्शंस भले ही कुछ भी हो, लेकिन होगा क्या उसका उल्टा, ये आपके और करीब आते जाएंगे। क्योंकि हमने भी देखा है ये चीज़, हम अपनी लाइफ में भी नोटिस करते हैं कि जितना हम किसी चीज़ से दूर जाने की कोशिश करते हैं ना, हम उस चीज़ के और ज़्यादा करीब आते हैं, ओके। और ऐसे ही कुछ होगा जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग भी सकता है कि अगर मैंने अब इस रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं किया, या मैंने इस रिश्ते पे अभी काम नहीं किया, तो शायद ये जो हमारे प्यार की इमारत है ये कोलैप्स हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ज़रूरत है सब कुछ समेटने की, सब कुछ संभालने की, ओके। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है कि टूटने से पहले या बिखरने से पहले मुझे इस चीज़ को या इस रिश्ते को ठीक करना होगा, इस रिश्ते को संभालना होगा, मैं इसको ऐसे ही तोड़ नहीं सकता या तोड़ते हुए नहीं देख सकता, ओके। सो दे माइट ट्राई टू कम क्लोज टू यू, वो ट्राई कर सकते हैं कि वो आपके करीब आए, आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करें, बट प्रॉब्लम ये है कि आपकी भी यहाँ पे उतनी ही इच्छा होनी चाहिए उस रिश्ते पे काम करने की, जितने आपके पार्टनर की है,
क्योंकि एक पर्सन चाह रहा है कि मैं रिलेशनशिप पे काम करूं और एक पर्सन दूर भाग रहा है, फिर ऐसे में नहीं हो पाएगा, राइट? गैदरिंग टुगेदर की एनर्जी क्यों है? डिवाइन हमें क्लियर मैसेज देकर ये बताएं। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आपके पर्सन देखिए इस पर्सन ने ना एकदम ही गिव अप कर दिया है इस कनेक्शन पे काम करना। ओके, बड़ी मुश्किल से आपको पाया, बड़ी किस्मत से आपको पाया, फिर आपका प्यार जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा इस पर्सन ने। तो इस पर्सन को ना अगले 15 दिनों में ये फील होने लगेगा कि एक ऐसा रिश्ता जिसे मैंने नसीब से पाया है, किस्मत से पाया है, एक ऐसा पर्सन जो कई मायनों में मुझसे बेहतर है, या मैंने जिस रिश्ते को बनाने में इतनी ज़्यादा कोशिशें करी है, इतनी मेहनत से इस रिश्ते को अगर मैंने बनाया है, तो क्या मैं इसको इसी तरह से जाने दे सकती हूँ या दे सकता हूँ? क्या मैं फिर से इसको समेटने की कोशिश नहीं कर सकता? क्योंकि भले ही दिल के टुकड़े बन चुके हैं, लेकिन टुकड़ों को समेट कर उसे ठीक किया जा सकता है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन यही सोचने की कोशिश करेंगे कि अब जब सब कुछ बिखर चुका है तो कैसे उसे समेटा जाए और कैसे उस पर काम किया जाए। ओके, सो ऐसी एनर्जी है। जैसे एक लिटरली हमें वो फीलिंग आती है ना जब कोई पौधा सूख जाता है, तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि यार एक वक्त था जब मैंने इस पौधे को लगाया, उसे बड़े प्यार से पानी दिया, सूरज की किरणों ने और सब चीज़ ऐसे मिलकर उसे इतना खिलाया, खिल गया वो पौधा, और फिर अब वो ऐसा सूख गया है, तो मैं क्या उसे ऐसा ही छोड़ दूँ? नहीं, मैं उसे पानी डालकर देखता हूँ, क्या पता फूल खिलाए। तो ऐसे ही कुछ आपकी फीलिंग, आपके पर्सन की फीलिंग होने वाली है। ओके, ग्रेस की एनर्जी क्यों है? डिवाइन हमें क्लियर मैसेज देकर बताए ग्रेस क्यों है। द मून। देखिए जब एक इंसान ना अकेला पड़ जाता है, चाहे वो अकेलापन उसने खुद चुना हो, चाहे सिचुएशन ऐसी हो गई हो जहाँ पे वो अकेला पड़ गया है, आपके पर्सन अगले 15 दिनों में आपको बेहद मिस करेंगे और आपकी यादों में खो जाएंगे। और लिटरली इस पर्सन को जब ये अकेले में सोचेंगे ना इस रिश्ते के बारे में, तब उन्हें एहसास होगा कि इस कनेक्शन को लड़ाई करके या आपके डिसरिस्पेक्ट करके, आपका दिल तोड़कर, इस तरह से नहीं ठीक किया जा सकता। अगर मुझे इस रिश्ते को ठीक करना है या मुझे ये अकेलापन अगर ख़त्म करना है अपना और फिर से उस ब्यूटीफुल दुनिया में जाना है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, समझ रहे हो, तो मुझे कहीं ना कहीं आई नीड टू वर्क ऑन माई इमोशंस। कहीं कहीं कभी कभी हो जाता है ना, इंसान किसी से प्यार करता है तो वो भावनाओं में खो जाता है, इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है, गलत डिसीजंस लेता है। तो आपके पर्सन अपने तौर तरीके, जिस तरह से वो आपको ट्रीट करते हैं ना, उसमें कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू ब्रिंग ग्रेस इन टू देयर एक्शंस। जो भी वो करेंगे अगले 15 दिनों में, आपके रिस्पेक्ट, खुद की रिस्पेक्ट, हेल्दी बाउंड्रीज को नज़रिए में रखते हुए करेंगे। ओके, अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट्स, ये क्यों है यहाँ पे? सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगले 15 दिनों में ये पर्सन जिस भी दिशा में निकलेंगे आपसे दूर जाने के लिए, आपको लेट गो करते हुए या मूव ऑन करते हुए, हर जगह पे उन्हें आपकी मेमोरीज हिट करेगी, हर जगह पे उन्हें आपकी याद आएगी, हर तरीके से उन्हें आपकी हर एक बात याद आएगी। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। देखिए आप दोनों मुझे लगता है बहुत अलग हो, मे बी सोच विचार आपके अलग है, व्यू पॉइंट्स आपके अलग होते हैं, या मे बी जिस तरह से आप दोनों जिस कम्युनिटी से या जिस बैकग्राउंड से आए हो टोटली डिफरेंट है। ओके, लेकिन प्यार बरकरार है, अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं जहाँ भी जाएंगे, जिस दिशा में जाएंगे, उन्हें आपकी याद आएगी, वो आपके तरफ खींचेंगे, वो रास्ते उन्हें आपकी तरफ ले आएंगे। तो आपके बहुत सारे इनकाउंटर्स होंगे, बहुत सडन इनकाउंटर्स हो सकते हैं,
स्पेशली अगर मिल पाते हो, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, तो हो सकता है ये पर्सन कुछ करने जा रहे हो और आपसे मीटिंग हो जाए, या ये पर्सन कुछ भी, मतलब अगर आप मिल भी नहीं पाते हो तो ये जो भी करेंगे ना उसमें आपकी यादें इनको सताएंगी। ओके, होल्डिंग टुगेदर की एनर्जी क्यों है? जस्टिस, मुझे यहाँ पे लगता है कि ये जस्टिस जो है ना, ये आपको मिलने वाला है। कैसे? यूनियन होकर। ओके, यहाँ पे यूनियन का कार्ड आया है, करीब आना, एक साथ आना, ओके, यूनाइट होना। देखिए, आपके पर्सन कहीं ना कहीं जिस भी वजह से आपसे दूर गए थे, जो भी आपकी मांग थी इनसे या जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, जहाँ पे गाड़ी अटक रही थी ना, आंखें रुक रही थी, वही सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, ये पर्सन आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये पर्सन मतलब जैसे एक टीम वर्क, मैंने बोला ना शुरुआत में, जो भी करना है दोनों को करना है। ऐसा नहीं कि एक पर्सन कुछ चाह रहा है, एक पर्सन ईगो में बैठा है, एक पर्सन गुस्से में बैठा है, नहीं, अ टीम वर्क। ओके, एंड कहीं ना कहीं दोनों साथ मिलकर कुछ डिसाइड करते हुए दिख रहे हो, कुछ फैसले लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है, जो आप दोनों के लिए बेहतर होंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन आई है पाइसिस यानी कि मीन राशि, और लीब्रा यानी कि तुला राशि। ओके, बाकी यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस तो वैसे भी है। ओके, चलिए और देखते हैं क्या फील करेंगे आपके पार्टनर। मेजर एनर्जीज़ क्या होंगी, थोड़ा और डीप में बताइए डिवाइन, हमें क्या महसूस करेंगे अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट यू, इंट्यूशन। डिसरप्शन, और जो लास्ट कार्ड है वो रेस्ट एंड रीजेन्यूएट है। ओके, एक काम करते हैं। देखिए, मुझे क्या लग रहा है ना यहाँ पे इन कार्ड्स को देखकर, कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए काफ़ी तरीके अपनाएंगे अपने आप को शांत करने के लिए, क्योंकि उनको वो शांति महसूस नहीं होगी, उनके अंदर वो बेचैनी, वो एक ब्रोकन वाली एनर्जी, एक अकेलेपन की, खालीपन की जो फीलिंग है ना, वो मुझे दिख रही है। ओके, लिटरली ये पर्सन अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को स्थिर करने के लिए काफ़ी तकनीकें अपनाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाएगा चाह कर भी, ठीक है, क्योंकि उनको फिर भी ऐसा लगेगा कि मैं हील नहीं हो पा रही हूँ, या मैं हील नहीं हो पा रहा हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, कुछ है जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा है, कुछ है जो मेरे अंदर टूट रहा है। ओके, और तब वो अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, तब वो ध्यान देंगे अपने अंदर, वो जाएंगे और खोजेंगे कि ऐसा क्या है उस पर्सन के अंदर जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। ओके, इंट्यूशन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? इंट्यूशन ये कार्ड क्यों आया है? डिवाइन, स्पिरिट गाइड्स। ओके, फोर ऑफ कप्स। देखिए, ये पर्सन आपको इग्नोर करे जा रहे थे, राइट? आप मैसेजेस कर रहे हो, ये रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपके मैसेजेस रीड पे जा रहे हैं, आपके कॉल्स यू नो आंसर नहीं हो रहे हैं। ओके, तो एक वक्त था जहाँ पे इस पर्सन ने आपको बहुत इग्नोर किया है, बहुत ज़्यादा, बट ऐसा नहीं कि खुशी से किया है, बहुत यू नो मतलब इनका दिल इनको कह रहा था कि नहीं, बात कर ले, उठा ले उसका फ़ोन या रिप्लाई कर दे, लेकिन इन्होंने लिटरली इग्नोर किया आपको। बुरा भी लगा, लेकिन ईगो को इम्पोर्टेंस दी। अब क्या होगा, अब इनका इंट्यूशन कहेगा कि देख, तू उसके बिना खुश नहीं है, टॉक टू हिम, टॉक टू हर, ओके, न वरना तू ऐसे डिप्रेस रहेगा, परेशान रहेगा। और वो लिटरली अपने इंट्यूशन को फॉलो करके हो सकता है आपके कॉल्स, मैसेजेस को रिस्पॉन्ड कर दे, राइट? क्योंकि एक बोर्डम, एक खालीपन, एक अकेलापन, ऐसा फील करते हुए मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। डिसरप्शन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें हमें, डिसरप्शन क्यों है? मुझे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, जस्ट वांट वन कार्ड, क्लियर मैसेज दे प्लीज़। ओके, द हायरोफेंट। देखिए,
सबके लाइफ में ना एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पे हम चीज़ों को या ज़िंदगी को मज़ाक में नहीं ले पाते, मुश्किल हो जाता है। इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी लाइफ को, हम अपने लव लाइफ को, हम हमारी हेल्थ को, या जो भी चीज़ आपके लाइफ में जो भी इशू है ना, उसको आपको सीरियसली लेना ही पड़ता है। और आपके पर्सन के लाइफ में अगले 15 दिन वो होंगे जहाँ पे इस पर्सन को लिटरली इतना पेन होगा, इतना ज़्यादा सैड रहेंगे, या इतना कुछ उनको फील होगा इमोशनल लेवल पे कि उनको ये एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे ही कर्मों की ये सज़ा है, तुमने एक ब्यूटीफुल रिश्ते को खुद तोड़ा, ख़राब किया, तुमने एक, जैसे बोलते ना कि एक सुंदर सा बगीचा है, किसी ने उस बगीचे को बड़े प्यार से सजाया है, बड़े प्यार से उन फूलों को की केयर करी है, और उस बगीचे को कोई आके उध्वस्त कर रहा है बस ऐसे ही मज़े में, क्योंकि वो उसके होश में नहीं है या वो किसी को परेशान करना चाहता है। ऐसा ही कुछ आपके पर्सन ने किया, आपको दुख दिया, आपको इग्नोर किया, आपको दर्द दिया, और अभी उसी पीड़ा से, उसी दर्द से जब वो गुजरेंगे तब उन्हें एहसास होगा कि मुझे एक वरदान मिला था, एक ब्यूटीफुल रिश्ता मिला था जो लॉन्ग टर्म जा सकता था, लेकिन मैंने उस रिश्ते को कितना ज़्यादा, मतलब बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी मैंने, ना उस इंसान को ना उस रिश्ते को। चाहे आप शादीशुदा हो इस पर्सन से, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, चाहे आप मैरिड हो या नहीं हो, दे विल बी लाइक कि मैंने एक हंसता खेलता रिश्ता या हंसता खेलता घर मैंने बर्बाद कर दिया अपने मज़े के लिए। ओके, लेट्स सी, रेस्ट एंड वी जेन्यूएट क्यों है यहाँ पे। डिवाइन, आप मुझे क्लियर मैसेज देकर ये बताएं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए जब इंसान ना सच्चे मायनों में रिश्ते को ठीक करना चाह रहा होता है, या जब उसे अपनी गलतियाँ पता चल रही होती है ना, यूनिवर्स आकर उन्हें परेशान करता है ताकि वो टेस्ट कर सके कि वो इंसान कितना स्ट्रांग बन चुका है या कितनी डीपली उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। तो ऐसा ही कुछ होगा कि ये पर्सन के अंदर एक जंग छिड़ेगी, बहुत गुस्सा फील होगा इस पर्सन को, या बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा उनकी आवाज़, उनके दिल की आवाज़ या उनके दिमाग में जो एक आवाज़ बजेगी कि तुम गलत हैं, तुमने गलत किया, ठीक है। तो एक भिड़न, एक घमासान होने वाला है, मैं सच बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को पीड़ा होने वाली है इमोशनल लेवल पे, एंड दे आर गोइंग टू फाइट विद देमसेल्व्स। जैसे होता है ना, खुद से ही लड़ना, खुद से ही जंग होने वाली है इस पर्सन की। होता है जो इंसान ना डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहा होता है ना, भयानक होती है वो स्टेज। ऐसे ही कुछ होने वाला है आपके पर्सन के साथ। चलिए लेट्स सी आपके पर्सन कहना क्या चाहते हैं आपको। डिवाइन हमें बताए कि हमारे व्यूअर के लिए उनके पार्टनर का मैसेज क्या है। आई एम वेटिंग फॉर यू, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपका इंतज़ार हो रहा है। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉक्ड अवे फ्रॉम यू। तो आपसे दूर जाने का जो इनका डिसीजन था, या आपसे दूर जाना, इनको बहुत रिग्रेट होने वाला है उस चीज़ का, या हो रहा है, ठीक है। यू आर टू गुड फॉर मी, तो इनको लगता है कि तुम सच्ची में, मैं तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती, या मैं तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता, तुम टू गुड हो, ठीक है। वॉट मोर डू वी हैव, आई चूज़ टू बी विथ यू। तो ये आपको आपके साथ चूज़ कर रहे रहना, आपको चूज़ कर रहे, ठीक है। वॉट मोर डू वी हैव, आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। तो ये आपसे एक दिन शादी करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, ये चाहत है उनकी, ठीक है। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, देखिए शादी तो करनी है लेकिन कमिटमेंट से डरते हैं। ऐसे कैसे चलेगा, मतलब उस पार नदी के पहुँचना है लेकिन बोट में भी नहीं बैठना, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर तो तुम भाई डूब ही जाओगे, तैर के जाओ फिर। तैर के कैसे जाओगे, यू डिज़र्व बेटर दैन एनी थिंग आई कैन ऑफर। मैंने बोला ना, इस पर्सन के अंदर ना एक कॉन्फिडेंस की कमी है, या इनको लगता है कि आप इनसे बहुत बेहतर हो हर मायनों में, ठीक है। उनको लगता है कि वो आपको कुछ भी नहीं दे सकते, वो आपके लायक ही नहीं है। तो कॉन्फिडेंस की कमी है यहाँ पे, इनसिक्योरिटीज़ दिख रही है इस पर्सन की। और देखते हैं लास्ट मैसेज, आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू।
तो ये तो मैंने आपको बोला, अगले 15 दिन ये चीज़ तो उनको बहुत क्लियरली महसूस होगी कि मैं तो नहीं भाई तुमसे अब मूव ऑन नहीं हो पा रहा हूँ। ओके सो या दैट वॉज इट। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट आपको चाहिए जो मेरे पास अवेलेबल है तो उसको एक्टिवेट करा के मैं आपको दूंगी। तो आपको चाहिए तो आप मुझसे मंगा सकते हो। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है व्हाट्सएप की, आप वहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करोगे तो आपको मेरा कैटलॉग भी दिख जाएगा, सारे प्राइजेस भी दिख जाएंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।